वेलकम टू ओडिया डिजिटल लर्निंग पिला माने आज हमें षष्ठ श्रेणी गणितर आउ गोटे नुआ अध्याय को आरंभ करबा ताहेले पिला माने तो माने देखो समतल उपरिस्त ज्यामितिक आकृति पिला माने अगरो हमें पूर्व श्रेणी मान करे विभिन्न ज्यामितिक आकृति विषय रे धारणा पाई वर्ग क्षेत्र आयत क्षेत्र चतुर्भुज त्रिभुज इत्यादि ताहले त्रिभुज को आम आज आउ थे भल भाव अभ्यास करिबा जानिबा त्रिभुज विषय किछि नुआ कथा नुआ धारणा पाइबा ठीक अछि पिला माने ताहले तो माने देख त्रिभुज आगर आम जहाँ जाणीछ पिला ए बी सी एक रेखारे नथिबा तीनोटी बिंदु हंतु पिला माने धरा जाऊ ए एटा गोटे बिंदु बी गोटे बिंदु एटा गोटे बिंदु ए बी गोटे रेखारे माने नहीं ताहले ए बी आउ सी गोटे रेखारे नथिबा तीनोटी बिंदु ए बी बी सी सी ए रेखाखंड द्वारा गठित चित्र एक त्रिभुज ठीक अच्छे पिला माने यही जपरी गोटे त्रिभुज देखुच ए रे गोटे बिंदु बी रे गोटे बिंदु सी रे गोटे बिंदु ताहले ए जो ए बी बी सी आउ सी ए रेखाखंड द्वारा गठित एटा गोटे है त्रिभुज देख लिला प्रत्येक त्रिभुजर तीनोटी बाहु देख एटा गोटे बाहु एटा गोटे एटा गोटे तीनोटी बाहु अच्छी बा भुज भुज कहले बाहु तीनोटी शीर्ष बिंदु अच्छी एटा जो शीर्ष बिंदु देख एटा शीर्ष बिंदु तीनोटी शीर्ष बिंदु और तीनोटी कोण कोण हला एटा पिला एटा हला कोण ताहले त्रिभुजर कौन कौन था पिलाए त्रिभुजर तीनोटी बाहु तीनोटी शीर्ष बिंदु आउ तीनोटी कोण था ठीक अच्छे पिला माने ताहले आमे विभिन्न प्रकार त्रिभुज विषय जानिछु अगर जानिछु आमे विभिन्न प्रकार त्रिभुज विषय जानिछु बाहुर दैर्घ्य अनुजाई त्रिभुज को तीन श्रेणी रे विभक्त करा जायछि ताहले बाहुर दैर्घ्य अनुसार त्रिभुज को तीन श्रेणी रे विभक्त करा जायछि गोटे हला सम बाहु त्रिभुज आउ गोटे सम दुई बाहु त्रिभुज आउ गोटे विषम बाहु त्रिभुज सेपरि कोणर परिमाण अनुसार त्रिभुज को तीन श्रेणी रे विभक्त करा जायछि गोटे हला सम कोणी त्रिभुज सूक्ष्म कोणी त्रिभुज आउ स्थूल कोणी त्रिभुज ताहले आमे टिके मन पकाइबा पिलाए सम बाहु त्रिभुज तीन बाहुर दैर्घ्य समान रहिबो सम दुई बाहु दुईटी बाहु समान रहिबो विषम बाहु बाहु गुड़िक असमान रहिबो तार दैर्घ्य हला त्रिभुज रे सेपरि समकोणी त्रिभुज गोटे कोण निश्चित भाबे 90 डिग्री हेबो सूक्ष्म कोणी त्रिभुज बुझेला ताहले सूक्ष्म कोणीटा से 90 डिग्री रु कम हेबो कोण गुड़िक हला स्थूल कोणी त्रिभुज गोटे कोण निश्चित भाबे 90 डिग्री रु अधिक हेबो हला ताहले पिला माने एबे आमे गोटे अभ्यास कार्य करिबा निजे करी देखो किछि दियासिली काठी नियो पिला माने किछि दियासिली काठी आमे नबा दियासिली काठी गुडी को व्यवहार करी त्रिभुज आकृति तयार करबा को चेष्टा करबा तुमे विभिन्न थरो के निम्न संख्यक दियासिली काठी नियो तीनोटी काठी रे तयारी करबा चारोटी रे पांचोटी छोटी मन रख प्रत्येक थर तुम्हें समस्त दियासिली काठी को व्यवहार करा जीवो
प्रत्येक थर या चित्र गुड़िकर नामकरण कर जदि तुम्हें त्रिभुज या तार कारण चिंता कर ठीक अच्छे पिलाई ताहले यही अभ्यास कार्य टी आम करवा आम सर्वमोट छियाशिली काठी ना बुझल पिलाई ताहले आम देखा आम छियाशिली काठी ना ठीक अच्छे पिलाई देख गोटे दुईटी तीनोटी चारोटी पांचोटी छोटी पिला माने ए दियासिली काठी को नहीं आमे त्रिभुज तैयारी करिवा आमे प्रथमे देख तीनोटी काठी रे आमे त्रिभुज तैयारी करिवा हला देखा पिला आमे तीनोटी काठी रे त्रिभुज तैयारी करिवा आ गोटे दियासिली काठी एमती आणिबा ए परि भाव रे तुम्हें तैयारी करिवो पिला देख एटाक टिके एमती करद पे ये आम तीनोटी काठी रे तैयारी कले तापर चारोटी काठी रे तैयारी करवा ठीक अच्छे ताहले आम चारोटी काठी रे जदि तैयारी करवा पे याटा को जी आम देखा चारोटी काठी आम तैयारी करवा देख या को जदि आम एम आ गोटे आने देख यहीपर भाव तुम्हें चारोटी काठी एटा है चारोटी काठी पे देख लापर जदि आम पांचटी काठी तैयारी करवा से त्रिभुज को आम पांचटी काठी तैयारी करवा पे देख यटा को टे आम एमती करदे आम पांचटी काठी तैयारी करवा देख आम सर्वमोट छटी काठी नहीं दिले या को पुणी आम एटी जोड़वा देखला पिला एपर भाव तुम्हें तैयारी करापर छटी काठी आम धर तैयारी करवा छटी काठी जो तैयारी करवा पिला ताहले धर यह आम बढ़ेद यही जगार आम गोटे बढ़ेद गोटे देख दुईटी एक दुई तीन चारि यहपर भाव पांच
ଗଜ ପିଲାଏ ଏହିପରି ଭାବରେ ତୁମେ ଦିଆସିଲି କାଠିରେ ତ୍ରିଭୁଜ ତିଆରି କରିପାରିବ। ଦେଖ ଏହାକୁ ଯଦି ଏମିତି ଆମେ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ବଙ୍କେଇ ଦେବା ଧର ଦିଆସିଲି କାଠିରେ ତୁମେ ତ୍ରିଭୁଜ ଏମିତି ଭାବରେ ତିଆରି କରିପାରିବ। ଏଇଟା ଚିତ୍ରରେ ପୁରା ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଦେଖିଲ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତୁମେ ଛଅଟି କାଠି ସାହାଯ୍ୟରେ ଦେଖ ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଏଇଭଳି ଛଅଟି କାଠି ସାହାଯ୍ୟରେ ତୁମେ ତ୍ରିଭୁଜ ତିଆରି କଲେ। ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ପିଲାଏ ତିନୋଟି କାଠିରେ ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜ ତିଆରି କଲେ, ଧରାଯାଉ ଏଇପରି ତିନୋଟି କାଠି, ଚାରୋଟି କାଠିରେ କଲେ, ପାଞ୍ଚଟି କାଠିରେ କଲେ, ଛଅଟି କାଠିରେ କଲେ, ତାହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତ କାଠି ବ୍ୟବହାର କରି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜ ତିଆରି କରିପାରିବେ ହେଲା। ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାଏ ପାଠରେ ଥିବା ଏଇ ଚିତ୍ରଟିକୁ ଦେଖିବା, ଚିତ୍ରକୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ଏଇ ଚିତ୍ରକୁ ତୁମେ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ପିଲାଏ। ଏ ବି ବାହୁ ସି ବି ର ସାଧାରଣ ବିନ୍ଦୁ ପି, ଏ ବି ବାହୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଏ ବି ବାହୁ ଅଛି ଆଉ ସି ବି ସି ବି ସି ବି ଏଇ ଯେଉଁ ବାହୁ ଅଛି ର ସାଧାରଣ ବିନ୍ଦୁ ଏଇ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ମିଳିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ବିନ୍ଦୁ ଏଇଟା ହେଲା ସାଧାରଣ ବିନ୍ଦୁ ହେଲା। ବି ବିନ୍ଦୁ ତ୍ରିଭୁଜର ଏକ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ, ତାହେଲେ ତ୍ରିଭୁଜର ତିନୋଟି ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟରୁ ବି ଗୋଟିଏ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ। ବି ବିନ୍ଦୁ ଠାରେ ଥିବା କୋଣ ଏ ବି ସି କୁ ବି କୋଣ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ତାହେଲେ ଏ ବି ସି ଏଇ ଯେଉଁ କୋଣ ଅଛି ଏଇ କୋଣକୁ ବି କୋଣ ବି ଏହିପରି ଭାବରେ ବି ଲେଖାଯାଇ ଏହିପରି ଭାବରେ କୋଣର ଆମେ ସଙ୍କେତ ପାଇପାରିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ବି କୋଣ, ବୁଝିଗଲା ପିଲା। ଆଉ ଏ ସି ର ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ଏଇ ଛୋଟ ବି କୁହାଯାଏ, ଏ ସି ଏ ଆଉ ଏ ରୁ ସି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଅଛି ଏହାକୁ ଯଦି ଏମିତି ଛୋଟ ବି ଲେଖିବା ତାହେଲେ ଏଇ କୋଣର ସମ୍ମୁଖିତ ବାହୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ବାହୁ ଏଇ କୋଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ବାହୁ ହେଲା ଏଇଟା ଦେଖା ପିଲା, ଏଇ କୋଣର ସମ୍ମୁଖରେ ଏଇ ବାହୁଟି ଏ ସି ବାହୁଟି ଅଛି, ତାହେଲେ ଏ ସି ର ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ଏମିତି ଛୋଟ ବି ବୋଲି କୁହାଯିବ, ଠିକ ଅଛି ପିଲାଏ। ତାହେଲେ ତ୍ରିଭୁଜ ବିଷୟରେ କିଛି ଆମେ ଧାରଣା ପାଇଲେ, ଏବେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆମେ କରିବା। ନିମ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର ଦିଅ, ଏଇ ଚିତ୍ରରେ ଏ ର ସମ୍ମୁଖୀନ ବାହୁ କିଏ, ଏ ର ସମ୍ମୁଖୀନ ବାହୁ ତାହେଲେ ଏ ର ସମ୍ମୁଖୀନ ବାହୁଟା ହେଉଛି ବି ସି, ଏ ର ସମ୍ମୁଖୀନ ବାହୁ ପିଲାଏ ବି ସି ବି ସି ଏଇ ଯେଉଁ ବି ସି ହେଲା। କେଉଁ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ଏ ରୂପେ ନାମିତ କରାଯାଏ ଏ, ତାହେଲେ ବି ସି ର ବାହୁକୁ ଛୋଟ ଏ ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଏ ହେଲା ଏ ର ସମ୍ମୁଖୀନ ବାହୁ, ଏ ର ସମ୍ମୁଖୀନ ବାହୁ ହେଲା ବି ସି, ତାହେଲେ ଏଇ ବି ସି କୁ ଆମେ ନାମିତ କରିବା। ବି ସି ର ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ କିପରି ନାମିତ କରାଯିବ ଦେଖ ପିଲା ଜାଣି ରଖ, ବି ସି ର ସଂଲଗ୍ନ କ'ଣ, ବି ସି ର ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ଆମେ କିପରି ନାମିତ କରାଯିବ ଦେଖ, ଏଇ ବି ସି ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ କେତେ ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେବ ଆମେ ନାମିତ କରିବା ମାପି। ଏ ବି ଓ ଏ ସି ର ଛେଦରେ ଗଠିତ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁର ନାମ କ'ଣ, ଏ ବି ଆଉ ଏ ସି, ଏ ବି ଆଉ ଏ ସି ପିଲା ଦେଖ ଏ ବି ଆଉ ଏ ସି, ତାହେଲେ ଏ ବି ଆଉ ଏ ସି ର ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ହେଲା କିଏ ପିଲା, ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ହେଲା ଏ, ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ହେଲା ଏ, ତାହେଲେ ବି ଏ ଓ ସି ଏ ବାହୁଦ୍ୱୟର ଅନ୍ତର୍ଗତ କୋଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅନ୍ତର୍ଗତ କୋଣ ବି ଏ ସି, ବି ଏ ଆଉ ସି ଏ, ବି ଏ ଆଉ ସି ଏ ର ଏଇ କୋଣଟି ହେଲା ତାର ଅନ୍ତର୍ଗତ କୋଣ ବି ଏ ସି,
हला से परि ए बी ओ बी सी रो अंतर्गत कोण ए बी आउ बी सी ए बी आउ बी सी रो अंतर्गत कोण हला ए बी सी ए कोण टी ठीक अछि पिलाय ताहले ए त्रिभुज विषय रे आमे जानु छी किछ नुवा कथा ताहले आमे कोण जानिबा बी सी रो संलग्न कोण द्वय ए बी सी बी सी बाहु जाऊ अछि तार संलग्न कोण गुडी को एटा ए बी सी आउ ए सी बी ए सी रो संलग्न कोण ए सी रो संलग्न कोण गुडी को हेबो एटा एटा से परि ए बी रो संलग्न कोण ए कोणटी हेबो बुझियाला संलग्न कोण गोटे बाहु रो दुई मुंडर जो कोण अछि ता हला संलग्न कोण ठीक अछि पिलाय ताहले आमे जानिबा देखो बी सी ओ ए सी रो अंतर्गत कोण पिलाय बी सी आउ ए सी रो अंतर्गत कोण बी सी आउ ए सी ए जो बी सी आउ ए सी यार अंतर्गत कोण टे हला बी सी ए हला पिलाय ताहले पिला माने त्रिभुजर अंतर्देश ओ बहिर्देश विषय रे आमे बे जानिबा त्रिभुजर अंतर्देश ओ बहिर्देश पार्श्वत ए बी सी त्रिभुज को देख पिलाय ए बी सी त्रिभुज को देख ओ तळे दिया जेतबा शून्य स्थान पूरण करो एई ए बी सी त्रिभुज डैश ओ डैश ओ डैश रेखाखंड त्रयर समाहार ताहले ए बी सी त्रिभुज टी ए बी तापरे ए सी आउ बी सी ए तीनोटी रेखाखंड त्रयर समाहार हेची पी बिंदु टी डैश बाहु उपरे अवस्थित पी बिंदु ए जो पी बिंदु टी अछि एटा ए बी बाहु उपरे अछि देख तुम क्यू बिंदु टी डैश बाहु उपरे अवस्थित क्यू बिंदु एटा क्यू बिंदु बी आउ सी बाहु उपरे अवस्थित अछि बी सी आर बिंदु टी देख पिलाए ए सी उपरे अवस्थित अछि देख ताहले ए बी सी बिंदु व्यतीत ए बी सी ए जो ए बी आउ सी बिंदु व्यतीत चित्र रे डैश डैश ओ डैश बिंदु तीनोटी अवस्थित ताहले ए बी सी व्यतीत चित्र रे पी बिंदु क्यू बिंदु आउ आर बिंदु तीनोटी अवस्थित अछि ताहले एबे आमे देखिबा ए चित्र नंबर 9.1 रे ए चित्र टिकु ए चित्र रे आमे देखिबा आमे देखिले जे एक्स वाई जेड बिंदु त्रय त्रिभुज उपरे एक्स वाई जेड ए जो एटा गोटे देख एक्स वाई आउ ए जो जेड हला त्रिभुज उपरे अर्थात त्रिभुजर कौनसी बाहु उपरे अवस्थित नहंती ए तीनोटी बिंदु त्रिभुजर कौनसी बाहु उपरे अवस्थान करि नहंती समान भितरे अछंती बा बाहरे अछंती तेबे से गुडी को केउठी अवस्थित पिलाए ताहले तुमे भाबो जे एक्स ओ वाई बिंदु त्रिभुज ए बी सी भितरे अछि ए जो एक्स आ वाई एटा त्रिभुज भितरे अछि देख त्रिभुजर भितर अछि किंतु जेड बिंदु टी त्रिभुजर बाहर अछि हला ताहले एक्स वाई बिंदु त्रिभुज ए बी सी रो भितर अवस्थित एक्स वाई बोली बहु बिंदु अछंती जे गुडी को त्रिभुज ए बी सी भितर अवस्थित ताहले एमिति आमे दुईटी बिंदु को चिन्हैले किंतु ए भितर बहुत बिंदु आमे सृष्टि करि परिबा जमिति एमिति बहुत बिंदु आमे सृष्टि करि परिबा आउ ए बिंदु गुडा को आमे नाम मध्य दे परिबा
हला ताहिले पिला माने एठारे आमे जानिबा जे जे बिंदु त्रिभुजर भितरे अछि आउ जे बिंदु त्रिभुजर बाहरे अछि ताकु आमे कोन कहिबा पिला देखो देखो ए चित्र को देखो त्रिभुजर एबीसी रो अंतरदेश एबीसी त्रिभुजर ए जो भितरे गार गार दिया है छि एहा तार अंतरदेश त्रिभुज भितरे जहा अछि तार अंतरदेश एहा स्पष्ट जे जेड बिंदु टी त्रिभुज एबीसी रो अंतरदेश रे नाही किंबा त्रिभुज उपरे नाही एहा त्रिभुजर बहिर्देश रे अवस्थित आमे जो आगुरु देखले जेड बिंदु टी ए जेड बिंदु टी त्रिभुज भितरे नथिबारु एहा बहिर्देश आउ एटा होची अंतरदेश ताहिले त्रिभुजर अंतरदेश आउ बहिर्देश विषय रे आमे धारणा पाइले ठीक अछि पिला माने ताहिले त्रिभुजर अंतरदेश कोण आउ बहिर्देश कोण आमे धारणा पाइले ताहिले पिला माने त्रिभुज एबीसी ओ यार अंतरदेश को बाद दे अन्य समस्त अंश को त्रिभुज एबीसी रो बहिर्देश कहा जाए ताहिले आमे देखिबा जे त्रिभुजर एबीसी ओ यार अंतरदेश को बाद देले ए जो त्रिभुज अछि ए त्रिभुजर अंतरदेश ए त्रिभुजर जो अंतरदेश अछि ए जो भीतर अंश अंतरदेश माने भीतर अंश ए जहा किछि भीतर अंश अछि ए भीतर अंश को बाद देले बाकी जहा किछि बाहर अछि से हला बहिर्देश बुझेला पले ताहिले अंतरदेश आउ बहिर्देश विषय रे तुमे जानिलो एहा जदि आमे देखिबा पिले एही चित्र को आमे देखिबा ताहिले ए जे आमे चित्र देखिले देख एही अंश गुडा कहला ए जे जहा किछि आमे देखुचे ए जे जहा आमे चित्रित करुचे त्रिभुजर भितरे जहा अछि पिले ए त्रिभुजर भितरे जहा अछि आमे जहा हलदिया रंग करुचे एहा हला त्रिभुजर अंतरदेश बुझेला ए भितरे जहा किछि रहिबो ताहा त्रिभुजर अंतरदेश रे रहिबो हला आउ ए त्रिभुजर बाहरे जहा रहिबो ताहा हला बहिर्देश ए त्रिभुजर बाहरे ए त्रिभुजर जो सीमा रेखा अछि पिला देखो तुम भल भाव लक्ष्य कर ए त्रिभुजर जो सीमा रेखा अछि ए बी सी त्रिभुज ए त्रिभुजर बाहरे जहा किछि रहिबो ताहा हला तार बहिर्देश हला ए त्रिभुजर ए जगह रे जहा किछि रहिबो ताहा हला तार बहिर्देश इटा हला अंतरदेश इटा हला बहि बेला ताहिले आज आमे जानिले त्रिभुज विषय रे आउ अंतरदेश कोण बहिर्देश कोण एही विषय रे मध्ये आमे जानिले पिलाय ताहिले एही अभ्यास कार्यटि को तुमे तुम पाठ बही रे अभ्यास करिवो आज पई एतिक पढिबा परे पुणि आमे आग को पढिबा पिलाय ठीक अछि ताहिले आमे पढिले षष्ठ श्रेणी गणितर नवम अध्याय त्रिभुज विषय रे आमे पढ़िले थैंक यू।